पिछली दो सदियों का सबसे मशहूर वाक्य है, मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी पीढ़ियों के, और पाने के लिए पूरी दुनिया है। इसे लिखने वाले कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई को पड़ता है। मजदूर वर्ग को संगठित करने के लिए, उनके किए गए कामों के लिए पूरी दुनिया के करोड़ों मजदूर उन्हें इस दिन बहुत प्यार से याद करते हैं। उनके जीवन संघर्षों और मजदूर वर्ग को एक नई राह बताने वाले उनके कामों पर आइए डालते हैं एक नजर। मजदूरों के महान नेता कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को पश्चिमी जर्मनी के राइन प्रदेश के त्रिएर में हुआ था। फ्रांस की सीमा से लगे इस इलाके में 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति का ज्यादा असर था। मार्क्स के पिता हर्शल मार्क्स और माँ हेनरिटा मार्क्स यहूदी थे, लेकिन यहूदियों से भेदभाव के चलते 1824 में इस परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 1835 में उन्होंने हाई स्कूल किया और फिर बॉन यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए, लेकिन पढ़ाई का तरीका पसंद न आने पर 1836 में बॉन से सीधे बर्लिन चले गए और बर्लिन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहां उन्होंने कानून, इतिहास और दर्शन की पढ़ाई की। 1838 में पिता की मृत्यु के बाद से ही वो दर्शन की पढ़ाई को और गहरे तौर पर लेने लगे और 1841 में एपिक्यूरिस के दर्शन पर शोध किया। उस समय बर्लिन यूनिवर्सिटी में यूरोप के मशहूर दर्शन शास्त्री हेगल का बड़ा असर था। हालांकि हेगल की मृत्यु 1831 में ही हो गई थी। हेगल को द्वंद्ववाद का सिद्धांत देने के लिए जाना जाता है, क्योंकि उस समय ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, लेकिन हेगल खुद राजतंत्र के समर्थक थे, जबकि उनके मानने वाले नौजवान हेगलवादी राजतंत्र के आलोचक। सो हेगलवादी नेता बावेर को सरकार के दमन का सामना करना पड़ा और 1841 में उन्हें बॉन यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ऐसा ही कुछ सलूक एक और दर्शन शास्त्री फायरबाख के साथ भी हो चुका था, इसलिए मार्क्स ने पठन पाठन की बजाय पत्रकारिता की ओर रुख किया। लेकिन इसी दौरान 1842 में कुछ वामपंथी हेगलवादियों ने राइन समाचार पत्र निकाला, जिसके मार्क्स संपादक बने, लेकिन इसमें क्रांतिकारी लेखों के चलते ये बंद हो गया। इस बीच 1843 में मार्क्स ने अपनी बचपन की दोस्त जेनी वेस्टफॉलन से शादी कर ली। हालांकि वो बहुत अमीर परिवार से आती थी, लेकिन मार्क्स के साथ आने के बाद अभाव और कठिनाई से भरी जिंदगी को उन्होंने प्यार से स्वीकारा और आजीवन दोनों एक दूसरे के साथ रहे। वो मार्क्स से 4 साल बड़ी थी। शादी के तुरंत बाद मार्क्स फ्रांस के पेरिस आ गए। यहाँ जर्मन फ्रांसीसी पत्रिका निकालना था, लेकिन मार्क्स और उनके साथियों के क्रांतिकारी विचारों के कारण इसका एक ही अंक 1844 में निकल पाया। जर्मनी में इसकी सारी प्रतियां जब्त कर ली गईं। इस पत्र में जर्मनी के मशहूर विचारकों और एंगल्स के लेख छपे थे। इसी पत्र में मार्क्स के लेखों में उनके क्रांतिकारी विचार उभर कर आने लगे थे। 1844 में ही एंगल्स भी पेरिस आ गए और यहीं से वो दोस्ती गाढ़ी हुई, जिसकी मिसाल आज भी दुनिया देती है। दोनों में दोस्ती हुई और ये अटूट दोस्ती आजीवन बनी रही। यहीं पर दोनों ने मिलकर हेगल पंथियों की आलोचना पर एक किताब लिखी। किताब का नाम था पवित्र परिवार। इसके बाद दोनों ने मिलकर जर्मन दर्शन, जर्मन समाजवाद और आलोचना पर एक और किताब लिखी, जिसका नाम था जर्मन विचारधारा। यहीं पर हेगल पंथ और द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन की ओर उनका रुझान दिख गया। पेरिस में उस समय क्रांतिकारी बयार चल रही थी, समाजवाद का बोलबाला था। मार्क्स इनके संपर्क में आए और यहीं फ्रांस के काल्पनिक समाजवादी विचारों से उनका परिचय हुआ। यही समय था जब मार्क्स को फ्रांस से निकाला दे दिया गया और उनका अगला ठिकाना बना बेल्जियम का ब्रसेल्स। वहां से भी उनको निकालने का दबाव बनाया जाने लगा, तो फिर उन्होंने प्रशा की नागरिकता ही त्याग दी, क्योंकि प्रशा ने ही फ्रांस से उन्हें निकलवाया था और बेल्जियम पर भी वह दबाव डाल रहा था। ब्रसेल्स में ही उन्होंने दार्शनिक प्रूदो की किताब दरिद्रता का दर्शन के जवाब में दर्शन की दरिद्रता लिख कर दिया। 1847 का यही वो वक्त था जब मार्क्स और एंगल्स
गुप्त प्रचार करने वाले कम्युनिस्ट लीग में शामिल हो गए। इसकी दूसरी कांग्रेस में इन दोनों को कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र लिखने की जिम्मेदारी दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र फरवरी 1848 में छपा। इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन के आधार पर मजदूर के ऐतिहासिक कार्यभार, वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद की आलोचना को इतना तार्किक तरीके से लिखा गया था कि आज 172 साल बाद भी इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। और जैसा इस घोषणा पत्र की पहली लाइन में लिखा है, आज भी दुनिया के पूंजीवादियों, सामंतवादियों, धार्मिक बोगापंथियों, साम्राज्यवादियों के दिल में इसकी दहशत बरकरार है। मजदूरों के लिए यह महज 40 पन्नों का घोषणा पत्र उनकी आजादी का ऐलान है। इसी बीच एक और बड़ी घटना घटी। 1848 में ही फ्रांस में क्रांति हो गई और राजतंत्र को जनता ने उखाड़ फेंका। बेल्जियम में भी राजा के खिलाफ सुगबुगाहट शुरू हो गई और इसके बाद शुरू हुए दमन में मार्क्स पेरिस आ गए। लेकिन इस क्रांति की आग जर्मनी तक पहुंच गई। मार्क्स ने पेरिस में क्रांतिकारी मजदूरों की एक टोली बनाकर उन्हें जर्मनी भेजा और बाद में खुद भी वहां पहुंच गए। लेकिन जर्मनी में क्रांति असफल रही और मार्क्स को फिर देश निकाला दे दिया गया। इस कठिन परिस्थितियों में मार्क्स की आर्थिक हालत बिगड़ती चली गई। 1849 में उन्हें फिर दरबदर होना पड़ा, जिसके बाद वो लंदन चले आए और मृत्यु तक यहीं रहे। मार्क्स परिवार के लिए बहुत कठिन समय था। कई बार घर का सामान गिरवी रख कर खर्च चलाना पड़ा, लेकिन इस दौरान वो ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय में 10-10 घंटे पढ़ते थे। अखबारों में लेख लिखकर उन्हें कुछ पैसे मिलते और उनके परम दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स उनकी हर संभव मदद करते रहे। यहाँ उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति पर लेख लिखे, औद्योगिक क्रांति के कारण ताकतवर होते मजदूर वर्ग के बारे में लिखा। यहीं पर उन्होंने दास कैपिटल यानी पूंजी के तीनों खंड लिखे। हालांकि अंतिम खंड बीमारी के कारण पूरा नहीं हो सका। मार्क्स राजनीतिक अर्थशास्त्र का गहराई से अध्ययन कर रहे थे। जब भी आप पूंजी पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि एक व्यक्ति धरती के कोने कोने की खबर कैसे रख सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने उस समय भारत के बारे में भी लिखा। मार्क्स ने 1867 के बाद से पूंजी पर बहुत कड़ी मेहनत की। पूंजी में ही मार्क्स ने भविष्यवाणी कर दी थी कि जब तक पूंजीवाद खत्म नहीं हो जाता, मंदी का चक्र जारी रहेगा। पैसे वाले और पैसा बनाएंगे, किसान पहले मजदूर बनेगा और मजदूर और गरीब होता चला जाएगा। 1871 में पेरिस में पहली बार क्रांतिकारी मजदूरों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और कम्यून स्थापित कर लिया। हालांकि ये महज 72 दिनों तक ही चला, लेकिन इसने दुनिया को बता दिया कि मजदूर संगठित होकर अपना राज कायम कर सकते हैं। मार्क्स ने अपने विचारों से मजदूरों को सहयोग दिया और समय समय पर सलाहें दी। व्यस्तता, अधिक काम और अभाव ने मार्क्स की सेहत पर असर डाला और 1873 में ही वो बीमार रहने लगे। बीमारी में भी वो पूंजी को पूरा करने के लिए जूझते रहे। 2 दिसंबर 1881 को मार्क्स की पत्नी जेनी की मृत्यु हो गई और 2 साल बाद 14 मार्च 1883 को मार्क्स का देहांत हो गया। मार्क्स के कई बच्चे लंदन के दिनों की घोर गरीबी में बचपन में ही मर गए। उनकी 3 बेटियां एलियोनेरा, लाउरा और जेनी ही बची रहीं। एंगल्स ने अपने सबसे प्रिय दोस्त मार्क्स की कब्र पर भाषण देते हुए ठीक ही कहा था, उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा और इसी तरह उनका काम भी अमर रहेगा।